Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, cube root and square root. So basically this is chapter number 5, cube root and square root. तो ठीक है, cube root क्या होता है, square क्या होता है, when a number is multiplied by itself, ठीक है, अगर कोई number उसी के साथ multiply, उसी number से multiply हो जाए, तो उसको square कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, square, अगर कोई number उसी number से multiply हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, square, ठीक है, and आपको क्या करना है, cube, square को ये यहाँ पर याद करना है, ये 1 का square 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 5, 6 का 36, 7, 49, 8 into 8, 64, 9 to 9, 81 और 10 जा 100. 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361 and 2400. ठीक है, ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, so let's start exercise 5th A. सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ. स्क्वायर का मतलब जब वही नंबर उसके साथ दोबारा ही मल्टीप्लाई हो जाए. 18 को 18 से दोबारा मल्टीप्लाई, आई होप मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा. 18 को 18 से स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर बोल रहे हैं. तो 18 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा. 24 का स्क्वायर मीन्स 24 को जब उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 576. 37 को जब उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका स्क्वायर 1369. 60. अब ये ऐसे नंबर आप 00, दो जीरो हैं तो दो जीरो लगा दीजिए एंड 6 × 6 = 36. ठीक है, 140 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और दो जीरो लग गए. ठीक है, अब 0.05 को मैंने क्या किया, पहले पॉइंट हटा दिया. तो पॉइंट हटाया, दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो नीचे दो जीरो आएंगे. ठीक है, क्या हो गया, 25 और 100 × 100 10,000. तो नीचे है 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है नीचे, तो मतलब ऊपर 4 डिजिट के बाद, मतलब 4 डिजिट के पहले पॉइंट आना है. तो 1, 2, हमारे पास दो ही डिजिट हैं, दो और डिजिट कैसे बनाएंगे, बाय पुटिंग जीरो. तो हमने 25 के पहले दो और जीरो पुट कर दिया और एक पॉइंट लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज 6/11 का स्क्वायर. तो 6 × 6 = 11, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 11 का स्क्वायर होता है 121. 3 × 1 = 14. ठीक है, क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको प्लस. ठीक है, तो ये हुआ 43/14, 43/14. 14 का जो स्क्वायर होगा 43 को जब हम 43 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1849 और 14 का स्क्वायर होता है 196. जब से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, ये क्वोशेंट आ रहा है, ये क्या है, क्वोशेंट, और ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है. तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टर मेथड. ठीक है, तो फैक्टर मेथड से निकालना है कैसे, 225 है तो सबसे पहले आपने 2 से करना है, 2 से नहीं होगा फिर 3 से करना है, 3 से नहीं होगा 5 से, 5 से फिर 4 से, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे नंबर से करना है. तो 2 से तो ये जाता नहीं, तो 3 से करेंगे. 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15. ठीक है, फिर से करेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15. ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज आपको नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी करते हैं 2, 2, 5 और 3, तो 3 × 7 = 21. ठीक है, कितना, 15 और 3 × 5 = 15. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, 0 तो कितना आया, 75. 75 को फिर आप कैसे करेंगे, 75 3 से 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15. ठीक है, अब क्या है, 25 3 की टेबल में तो आता है नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 5. ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो सेम डिजिट होगी तो उनमें से एक बाहर निकालना. जैसे 3 3 दो बार है तो एक 3 बाहर निकाल दिया, 5 5 दो बार है तो एक 5 बाहर निकाल दिया. तो 3 × 5 = 15. तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 15. सेम 441, तो 441 मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले छोटा नंबर, तो 3 से किया तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 7 = 21. नहीं आएगा, अगेन क्या करना है, 441 और 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 147 आ जाएगा. ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27. ठीक है, अब 49 यहाँ पर 4, 5, 6 की टेबल में नहीं आता, किसकी टेबल में आता, 7 की, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7. तो फिर हमारे पास जो आया 3 × 3 = 7. क्यूब रूट में क्या करते हैं, दो अगर सेम डिजिट होगी तो एक डिजिट 3 की बाहर निकाल दी, एक डिजिट 7 की. तो 441 किसका स्क्वायर, मतलब का स्क्वायर रूट क्या है, 21. ठीक है, अगेन सेम है क्या, 784. ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर, अभी तक जो हमने ऊपर 3 से किया इसलिए किया क्योंकि वो 2 से नहीं जा रहा था. ठीक है, अब हम 2 से करेंगे. ठीक है, क्योंकि 2 से जा रहा, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 2 2 = 4. ठीक है, अगेन 2 1 = 2, 2 9 =
18 एंड 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। अब फिर से 2 9 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, यहां से हमने अब 49, अब 49 किसी की टेबल में नहीं आता, पर हमें बताया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 7 टू 7, क्या कहा कि इस दो 2 है तो एक 2 निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, दो 2 है तो एक 2 निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, और दो 7 है तो एक 7 निकालना है। जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिलेगा। इसका मतलब है 784 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 28। हमारे पास है 1936, ठीक है। 1936 में सबसे पहले छोटा नंबर 6 है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 9 जो 18, 2 6 जो 12 एंड 2 8 जो 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जो 8, 2 8 जो 16 एंड 2 4 जो 8, ठीक है। फिर से करेंगे 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2, ठीक है। 2 से 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, ठीक है। इतना सब करने के बाद 121 आपको याद होना चाहिए कि 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद होनी जरूरी है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो 11 11 जा 121, 11 1 जा 1, ठीक है। इस दो 2 का 8 2 बाहर निकाला, इस 2 का 1 2 बाहर निकाला, इन दो 11 का 1 11, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि 1936 का स्क्वायर रूट क्या है 44, 4 इंटू 11 दैट इज 44। नेक्स्ट इज 5929, ठीक है। इसको जब 3 से किया तो डिवाइड नहीं हुआ, 2 से किया डिवाइड नहीं हुआ, मतलब हमने 1 से लेकर 6 तक जब हमने इसको डिवाइड किया तो नहीं हुआ, सीधे 7 से हुआ डिवाइड, ठीक है। 7 8 जा 56, फिर 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, ठीक है। फिर 7 से कैसे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। फिर से मैंने क्या कहा, कुछ कुछ का स्क्वायर रूट आपको पता हो, इस कुछ कुछ का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वो जो टेबल हमने पहले पढ़ी है वो इसीलिए पढ़ी है, ठीक है। तो 11 11 जा 121 और 11 1 जा 1, इन दो 7 का 1 7 बाहर और दो 11 का 1 11 बाहर, तो 77, ठीक है। तो इसका मतलब है 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो है 77। नाउ वी हैव 9025, ठीक है। तो पहले 5 से किया 1805 आया, फिर 5 से किया 361 आया, ठीक है। अब आप 1 से लेकर 18 तक करने की कोशिश कर दीजिए, नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैंने कहा 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट यू शुड नो, एटलीस्ट, तो ठीक है। 19 की टेबल में 19 जो होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। तो 19 1 जा 19 एंड वी विल गेट 2 5, तो एक भाई 5 बाहर, 2 19 एक 19 बाहर, तो 5 इंटू 19 दैट इज 95, ठीक है। नेक्स्ट इज 6724 का, ठीक है। तो पहले 2 से गया 3362 आया, फिर 2 से गया 1681 आया, फिर हमने 41 से किया, तो 41 वन जा 41 इंटू 41 1684 होता है, 41 वन जा 41, तो कितना है 2 इंटू 2 41 इंटू 41, इन दो 2 का एक 2 बार, इन दो 41 का एक 41 बार, तो वी विल गेट 41 इंटू 2 दैट इज 82, ठीक है। वी आर हैविंग 1164, तो पहले 2 से करेंगे तो 5832 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2916 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1458 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर 2 से किया तो 729 आया, 729 फिर हम 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से करेंगे 243 आया, 3 से किया 81 आया, 3 से किया 27 आया, 3 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके आ रहा है, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि कैसे आ रहा है, 11664 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा 10, ठीक है, 28 जा 16, 23 जा 6 एंड 22 जा 4, ठीक है, डिवाइड करना है, आई होप आपको आता होगा। तो यहां से हमने किया तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 का एक बाहर, 2 का एक बाहर, 2 डिजिट का 1 डिजिट बाहर, 2 डिजिट का 1, 2, 3 का, ठीक है, तो बाहर। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 108 आया, तो 11664 का जो हमारे पास जो क्या है स्क्वायर रूट है वो क्या है 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, पर मैंने वही कहा है कि आपको कुछ स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए। 289 ओवर 361, तो ये 289 17 का होता है, 361 19 का होता है, ठीक है। इस मिक्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस करेंगे। जब हमने ऐसा किया तो हमें मिला 64 ओवर 25, 64 होता है 8 का और 25 होता है 5 का, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस किया, देन वी गेट 169 ओवर 49, तो क्या 13, 169 का मतलब जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है, और 7 का जो स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 14 का जो स्क्वायर, 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को जब इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसको प्लस किया तो वी विल गेट 3600 ओवर 169, 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60,
ठीक है, और 169 को होता है 13, ठीक है। 8.41 कैसे करेंगे, 841 दो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 841 का होता है 29 और 100 का होता है 10। ये 29 का प्राइम करके भी, प्राइम फैक्टर करके भी मुश्किल से आ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत ये एफर्ट ही डालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। 0.0529, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 529 का होता है 23, ठीक है, और इसका होता है कितना 100, ओके। एंड नेक्स्ट इज 9.3025, तो पॉइंट हट जाएगा और नीचे कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो आ जाएंगे, तो ऊपर 9305 का होता है 305, कैसे, 5 से किया 18605, फिर 5 से किया 3721, फिर हमने सीधे 61 से किया, 61 का होता है ये, ठीक है, ओवर 100, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर अ क्लास पिकनिक स्टूडेंट कलेक्टेड रुपीज 4225, एक क्लास पिकनिक के लिए स्टूडेंट ने इतना पैसा कलेक्ट किया, इच स्टूडेंट गिव एज मनी रुपीज एज देयर स्टूडेंट, ठीक है भैया, अगर एक्स स्टूडेंट है तो एक्स ही रुपया दिया है, समझ आ रहे हो, एक्स स्टूडेंट है तो एक्स जितने स्टूडेंट है उतना ही एक बच्चे ने पैसा दिया है क्लास में, ठीक है, समझ रहे हो, अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने 10 रुपए दिया है, आप समझ रहे हो, ठीक है, वैसे करके इतना रुपए कलेक्ट हो गया। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट वर दिया एंड हाउ मच मनी डिड ईच कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो क्या है, स्टूडेंट है एक्स, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है तो मनी भी क्या हुआ, अगर एक स्टूडेंट एक्स है तो मनी भी एक बच्चे ने एक्स ही दी है, ठीक है, एक बच्चे ने कितनी मनी दी है एक्स, अब टोटल करके जब पूरी क्लास ने जो मनी दी है वो क्या दी है, x into x करके कितना हो रहा है 4225, ठीक है, इसका मतलब है इसका निकालना है हमें, क्या इसका निकालना है हमें, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर करेंगे, पहले 5 से करेंगे 845 आया, फिर 5 से करेंगे 169 आया, कुछ कुछ के स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए या फिर कुछ कुछ के स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 169 स्क्वायर होता है 13 का, 13 जा 169, 13 वन जा 13, ये 2 13 का 113 आएगा और 2 5 का 1 5 आएगा, तो 5 into 13, इसका मतलब 65 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, और एक बच्चे ने कितना रुपए जमा किया, एक बच्चे ने 65 रुपए जमा किया, तो 65 रुपए बच्चे ने कितना जमा किया, 65 into 65, ठीक है, तो वैसे ही एक बच्चे ने अगर एक्स रुपए जमा किया, ठीक है, और बच्चे एक्स हैं, ठीक है, बच्चे एक्स हैं और जमा भी पैसा कितना क्या, एक बच्चे ने कितना क्या एक्स किया, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 4225 हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना एक बच्चे ने जमा किया है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमिनार हॉल हैज 1764 सीट इन द फॉर्म ऑफ रोज, ठीक है, ईच रो कंटेनिंग एज मेनी सीट एज देयर आर रो, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ईच रो, ठीक है, एक सेमिनार में टोटल सीट है इतनी, ठीक है, एक रो में इतनी सीट, मतलब जितनी भी रोज है उतनी सीट है, सेम ही क्वेश्चन है, ईच रो में कितनी सीट है, ईच रो कंटेनिंग एज मैनी एज सीट देयर आर, सॉरी, ईच रो कंटेनिंग एज मैनी सीट्स एज देयर आर रोज, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सपोज क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट इन ईच रोज, तो नंबर ऑफ रोज एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ सीट इन ईच रो कितना है 1764, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1764, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2 से करेंगे तो 882, 2 से करेंगे 441, 3 से करेंगे 147, 3 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, जब इन दो का एक 2 निकाला, इन 3 का एक 3 निकाला, इन दो 7 का 17 निकाला, तो 42 ही है यहाँ पर रोज, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, अप टू दैट पॉइंट बी सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।